Hello everyone, this is Pramod and you are watching Floor Plan Hub channel. Welcome to the tutorial number 8 on how to create a two-story house design using Revit architecture. So previous classes में हमने यहाँ पे अपना complete 3D model, basic 3D model अपना तैयार कर लिया है, यानी कि ground floor plan, first floor plan, terrace plan हमने यहाँ पे complete कर लिया है, doors, windows, बाकी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे create कर ली है. सो इस वीडियो में हम यहाँ पे कम्प्लीट थोड़ा सा एडवांस मॉडलिंग पे आएंगे, यानी कि कम्प्लीट लैंडस्केपिंग का पार्ट और जो भी एक्सटीरियर डिजाइनिंग का पार्ट है उसको यहाँ पे हम कवर करेंगे. तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो हमारा 3D मॉडल है इस तरह से हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था. सो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा 3D डिजाइंस, कुछ मॉडलिंग वगैरह इसमें हम करेंगे, जिससे कि हमारा जो एक्सटीरियर व्यू है थोड़ा और अच्छा यहाँ पे देखने में लगे. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने यहाँ पे सीलिंग्स क्रिएट करेंगे, यानी कि सीलिंग लेवल हम अपना तैयार करते हैं. सो उसके लिए यहाँ पे हम एलिवेशन पे आते हैं, साउथ एलिवेशन. अब चाहो तो डायरेक्टली आप सीलिंग यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट कर सकते हो, अगर आप लेवल क्रिएट करना चाहते हो तो लेवल क्रिएट कर सकते हो, इट्स अप टू यू. सो हम डायरेक्टली यहाँ पे सीलिंग ही क्रिएट करेंगे, लेवल क्रिएट नहीं करेंगे. सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे हमें अपने पूरा सीलिंग लेवल तैयार करते हैं. सो गो टू आर्किटेक्चर, देन गो टू सीलिंग, देन यहाँ पे स्केच सीलिंग पे आके अपनी लाइन से कुछ इस तरीके से समथिंग लाइक दिस अपनी सीलिंग हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं, या फिर मैं यहाँ से समथिंग इसको इस तरह से क्लोज करा देता हूँ. अब सीलिंग क्या होगी, जो भी आपका ग्राउंड फ्लोर की रूफ है, ठीक है, या मैं कहूँ फर्स्ट फ्लोर का जो स्लैब है उससे 2 फिट नीचे आपका यहाँ पे हमेशा सीलिंग अप्लाई होती है. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ पे सीलिंग अप्लाई करते हो सो बाय डिफॉल्ट वो अपने स्लैब के बॉटम से ही आपका इतने डिस्टेंस पे अप्लाई होगी, यानी कि यहाँ से अगर मैं बॉटम से देखूँ उसके बॉटम तक तो दिस इज 2 फिट, और अगर मैं यहाँ से सिंपली इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइट फ्रॉम लेवल, तो लेवल से कितने हाइट पे लगेगा आपका, 8 फिट हाइट पे. तो जब भी आप यहाँ पे सीलिंग लगाओगे ये आपका बॉटम लेवल से 8 फिट हाइट पे आपकी यहाँ पे सीलिंग लगती है. ठीक है, बाकी यहाँ से आप इसकी सीलिंग हाइट चेंज करना चाहते हो तो 8 फिट की जगह 9 फिट करना चाहते हो तो 9 फिट आप कर सकते हो, या जो भी आपको यहाँ पे साइज चाहिए वो आप साइज यहाँ पे सेट कर सकते हो. तो लेट्स से 80 फिट हम यहाँ पे रखते हैं इसको. देन नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे जो ये आपका टेरेस स्लैब है ये मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है. ठीक है, सो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ डिजाइन वगैरह इसमें क्रिएट करते हैं, चलिए करके देखते हैं यहाँ पे. सो जाते हैं यहाँ पे अपने टेरेस प्लान पे और यहाँ से मैं रेंज बेस्ड लेवल लगा लेता हूँ फर्स्ट फ्लोर, और अपने स्लैब को सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री, एडिट बाउंड्री पे जाने के बाद यहाँ से मैं ऑफसेट दे देता हूँ इसको 1 फिट का, एंड देन यहाँ से 2 फिट का मैं इसको ऑफसेट कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस. देन यहाँ से अगेन मैंने इस तरह से एक लाइन क्रिएट कर ली और अगेन ऑफसेट 2 फिट फ्रॉम दिस साइड, 2 फिट फ्रॉम दिस साइड. जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उनको यहाँ पे हम ट्रिम कर देंगे, अनज्वाइन कर दीजिए, अनज्वाइन, और इसको इसको ट्रिम, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हम डिलीट कर देंगे. फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं कॉपी, और इसको मैं कॉपी करा लेता हूँ 3 फिट 6 इंचेस, 3 फिट एंड 6 इंचेस, 3 फिट 6 इंचेस एंड सो ये कम्प्लीटली नहीं आएगा, तो इसको मैं कम्प्लीट सेलेक्ट करके एरो की से इस तरह से शिफ्ट करा देता हूँ सेंटर पे, समथिंग लाइक दिस. देन फिनिश, यस. अब ये जो बाउंड्री वॉल है इसको मैं ड्रैग करके पीछे ले आता हूँ, कैंसिल करिएगा 1 मिनट, और ये जो बाउंड्री वॉल है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. फिर यहाँ पे टेरेस प्लान पे आके वॉल, और यहां से रेंज बेस लेवल पहले तो सेट कर दो, हेडरूम स्लैब नहीं, टेरेस प्लान आपका रहेगा. सो यहां से आपका वॉल, और कुछ इस तरह से अपनी वॉल को मैं यहां पे तैयार करता हूं, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं यहां से पीछे ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए इस तरह से 3D. ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो फ्रंट पार्ट है अलाइन
इस फेस एलाइनमेंट इस वॉल को ले आइए। देन ये वाली जो वॉल है इसको मैं इस तरह से मिड तक ले आता हूँ। देन अगेन गो टू टेरेस प्लान, देन गो टू वॉल एंड अनकनेक्टेड हाइट ठीक है, और इसको मैं 6 इंचेस यहाँ पे करता हूँ और समथिंग लाइक दिस इसको ज्वाइन करा देता हूँ। फिर इसके बाद अगेन टेरेस प्लान, गो टू रेलिंग और यहाँ पे मैं हैंड रेल पाइप और कुछ इस तरह से अपनी रेलिंग यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर ये सर्कुलर है, सर्कुलर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसके लिए मैं एडिट टाइप पे जाता हूँ और यहाँ पे रेल स्ट्रक्चर सर्कुलर की जगह मैं इसको कर देता हूँ स्क्वायर रेक्टेंगुलर 2 by 2 inches समथिंग लाइक दिस। ओके, फिर इसके बाद बलस्टर्स को भी मैं स्क्वायर 2 inches, स्क्वायर 2 inches, स्क्वायर 2 inches एंड स्क्वायर 2 inches। देन इसके बाद यहाँ पे आपका टॉप रेल, टॉप रेल हमने कहा यहाँ पे रहेगा इट विल बी रेक्टेंगुलर हेडलाइट 2 by 3 inches। ओके करोगे तो यहाँ पे देखो कंप्लीटली इस तरह से रेक्टेंगुलर आपके पास आ जाएगा। देन इन वॉल को सेलेक्ट करके इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा दो, दैट इज 3 feet 3 inches। ओके समथिंग लाइक दिस, और यहाँ भी इन दोनों को भी बढ़ा दीजिए 3 feet and 3 inches। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन ये हैंडल नहीं कर पाएगा, फॉर दैट वी कैन गो टू ग्राउंड लेवल। देन ग्राउंड लेवल पे जाने के बाद यहाँ से हमने कॉलम लिया, कॉलम आर्किटेक्चरल, देन एडिट टाइप डुप्लीकेट 9 inches by 12 inches का कॉलम हम लेते हैं यहाँ पे। देन डेप्थ इज 9 inches, विड्थ इज 12 inches। ओके, और यहाँ पे ये कॉलम इस तरह से हम अप टू लेवल हेडरूम टेरेस प्लान तक मैं अपने कॉलम को इस तरह से प्लेस करा देता हूँ, दिस कॉलम एंड यहाँ पे ये वाला कॉलम, तो ये देख सकते हो ये इस तरह से यहाँ पे आपके कॉलम आ गया। नाउ अब यहाँ पे कॉलम की जगह में बीम भी चाहिए होगी, सो गो टू राइट। अब जो चीज़ मुझे यहाँ पे बस स्ट्रक्चरली जो चीज़ यहाँ पे दिखेगी उसी चीज़ को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि कॉलम बीम में अनसाइड मैंने क्रिएट नहीं की, क्योंकि सिर्फ मैं आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, सो इन दोनों को सेलेक्ट करके अटैच टॉप बेस इससे अटैच कर दीजिए, जिससे कि ये जो ओवरलैपिंग के अंदर वो चली जाए। देन राइट व्यू लगाएंगे, देन यहाँ से कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, देन यहाँ पे स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग और इसको नेम दे देते हैं बीम। ओके, देन एक्सट्रूजन सेट पिकअप प्लेन, ओके सेट दिस प्लेन लाइन से हमने यहाँ से 9 inches की बीम रहेगी लेट्स से, और 9 inches by 12 inches तो जिसमें कि 6 inches आपका ऊपर है तो 6 inches आपका नीचे आएगा, तो लेट्स से हम यहाँ पे 1 feet 6 inch की बीम आपकी ज़्यादा ही रहेगी। सो लेट्स से 6 inches की, तो क्योंकि आपकी जो बीम रहेगी वो आधी अंदर रहेगी आपके स्लैब में, सो टोटली कितना हो जाएगा 12 inches। ठीक है, सो ओके फिनिश। देन इसके बाद फ्रंट व्यू लगा के इस बीम को सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, फिर इसके बाद अगेन क्रिएट एक्सट्रूजन सेट पिकअप प्लेन, ओके दिस इज अवर प्लेन रेक्टेंगल एंड इस तरह से हमने यहाँ पर रेक्टेंगल बना लिया, और इसकी जो थिकनेस रहेगी दैट इज 9 inches एंड ओके, और इसको भी मैं यहाँ से पिक करके इस तरह से ड्रैग कर लूँगा अलाइन इस फेस के अलाइनमेंट में, इसको अलाइन कर दीजिए। ठीक है, देन फिनिश मॉडल इतना हो जाने के बाद लेट्स से फिर ये जो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट ओपनिंग स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे हम अपना लाइक से सीएनसी वर्क वगैरह ऐसे जाली वगैरह का जो टेक्सचर होता है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो चलिए करते हैं, आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, देन अगेन केस वर्क, ओके ओके देन एक्सट्रूजन देन सेट पिकअप प्लेन, ओके इस प्लेन को सेट कर लीजिए साइड वाले प्लेन को, और फ्रंट व्यू लगा के इस टॉप से लेके रेक्टेंगल ले लो,
यहाँ से लेके इस बॉटम तक आप एक लाइन इस तरह से रेक्टेंगल बना लीजिए। देन यहाँ से अगेन आप ऑफसेट 1 फिट इज इनफ आई थिंक, 1 फिट फ्रॉम टॉप, 1 फिट फ्रॉम बॉटम एंड 6 6 इंचेस फ्रॉम साइड साइड। ट्रिम इसको, इसको ट्रिम कर देते हैं, इसको इसको ट्रिम, इसको इसको ट्रिम, इसको इसको ट्रिम एंड फिनिश। देन ये एक्सट्रूजन बाहर की तरफ आ रहा है, सो एक्सट्रूजन स्टार्ट विल बी -2 इंचेस एंड एक्सट्रूजन एंड लेट्स से -6 इंचेस। सो ये अंदर की तरफ देखो इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, अलाइन इस फेस के अलाइनमेंट में इसको अलाइन कर दो। देन नेक्स्ट अगेन फ्रंट व्यू लगाइए, देन अगेन क्रिएट एक्सट्रूजन रेक्टेंगल सेट पिक अ प्लेन। ओके इस प्लेन को सेलेक्ट कर लीजिए रेक्टेंगल और यहाँ से ये रेक्टेंगल बना लीजिए। अब ये रहेगा आपका एक्सट्रूजन स्टार्ट, एक्सट्रूजन एंड -3 इंचेस और एक्सट्रूजन स्टार्ट -1 इंचेस। तो इसमें बाद में मटेरियल हम अप्लाई करेंगे, बताऊंगा किस तरह से वो चीज़ करनी है। देन फिनिश मॉडल। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो बॉटम में हमने सीलिंग क्रिएट की है, इसके लिए यहाँ पे जैसे ओपनिंग है ये अच्छा नहीं लग रहा। सो आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन पेस, देन केस पर ले लीजिए। ओके ओके देन स्वीप पिक पाथ और सीलिंग के जो कॉर्नर एजेस हैं इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। फिनिश फ्रंट व्यू लगा लीजिए जिससे कि आपका ये जो प्रोफाइल है स्वीप की ये दिखने लगे, और यहाँ से कुछ इस तरह से जैसे आप वॉल बनाते हैं वैसे ही इस तरह से स्वीप करा दो। अब यहाँ पे कुछ डिजाइंस वगैरह भी चाहते हो तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स से इसको मैं हेडलाइन करता हूँ जिससे कि मेरा टेक्स्ट प्रॉपर दिखे। सो यहाँ से 3 इंचेस अंदर, 2 इंचेस, 3 इंचेस, 4 इंचेस और समथिंग लाइक यहाँ से 4 इंचेस में इस तरह से करके इसको ज्वाइन करा देता हूँ और इसको यहाँ पे ट्रिम। फिनिश फिनिश रियलिस्टिक मॉडल। तो आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे आपके डिज़ाइन भी आ जाएगी राइट। देन अगेन फिनिश मॉडल। सो ये हो गया हमारे पास ये पार्ट, बाकी फिर इस विंडो पे काम करते हैं। राइट व्यू देन आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस केस वर्क। ओके ओके एक्सट्रूजन देन सेट पिक अ प्लेन। ओके साइड प्लेन सेट कर लिया। अब हम यहाँ पे जो डिजाइन बनाएंगे लेट्स से दिस विल बी कंप्लीट ओपनिंग, देन ऑफसेट 6 6 6 6 6 इंचेस। इसको नीचे में ड्रैग कर लेता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ समथिंग ना फिनिश। और यहाँ पे एक्सट्रूजन एंड विल बी 6 इंचेस। फिर यहाँ से राइट व्यू अगेन लगा लीजिए, देन क्रिएट एक्सट्रूजन अगेन लाइन और यहाँ से 3 इंचेस का कुछ इस तरह से सनशेड जो आपका होता है उसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको भी सेलेक्ट करके एक कॉपी क्योंकि नीचे भी हमें चाहिए एंड फिनिश। एंड दिस एक्सट्रूजन विल बी लेट्स से 3 फिट्स। 3 फिट ज्यादा लग रहा है तो 2 फिट 6 इंचेस आप कर दो बस। देन इसके बाद सेम फॉर दिस वेंटिलेशन विंडो, क्रिएट एक्सट्रूजन रेक्टेंगल ऑफसेट 6 इंचेस 6 इंचेस 6 इंचेस 6 इंचेस और इसको कुछ इस तरह से मैं ड्रैग कर देता हूँ समथिंग लाइक दिस, जैसे साइड में किया वैसे ही सेम इसमें भी एंड फिनिश। एक्सट्रूजन एंड विल बी 6 इंचेस। देन इसके बाद यहाँ पे साइड में मैं क्रिएट और यहाँ पे एक्सट्रूजन लेट से रेक्टेंगुलर ही रहेगा आपका, देन सेट पिक अ प्लेन। ओके और यहाँ से मैं कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल यहाँ पे तैयार कर लेता हूँ, सेलेक्ट कॉपी और इसको मैं 10 इंचेस पे कॉपी कर देता हूँ, कॉपी अगेन 10 इंचेस पे इस तरह से एक एक करके कॉपी करते जाओ। सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लो, कॉपी इस पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट पे, जिससे कि एक साथ जल्दी जल्दी हो जाए आपका।
ठीक है, इस कंप्लीट को सेलेक्ट करके डाउन साइड में आप लाना चाहते हो तो ला सकते हो। इस तरह से इसको डिलीट करना चाहो डिलीट कर दो, या फिर इसको कम्प्लीटली सेलेक्ट करके ऊपर करना चाहो तो ऊपर कर सकते हो। फिनिश, और ये आप सेलेक्ट करके इधर ड्रैग कर दो। ठीक है, देन फिनिश मॉडल, एक साइड का हो गया इस तरह से। फिर ये जो कॉर्नर विंडोज हैं, या तो मैं एक काम ये कर सकता था, चलिए देखते हैं, अगर सही लगेगा तो वैसे ही करेंगे। तो कंपोनेंट अगेन, मॉडल इन प्लेस, ये इसी पे लेते, सेलेक्ट किया एडिट इन प्लेस, और यहाँ से एक्सट्रूजन, सेट पिक अ प्लेन, ओके, सेलेक्ट दिस प्लेन, फ्रंट व्यू लगाया हमने, और यहाँ से ये रेक्टेंगल आ गया हमारे पास, और ये रेक्टेंगल आ गया। इस लाइन को डिलीट, इस लाइन को भी डिलीट, हिडन लाइन लगा दो जिससे कि प्रॉपर समझ में आए। ऑफसेट 6 इंचेस, 6 इंचेस, 6 इंचेस, 6, 6 एंड 6। ठीक है, फिर यहाँ से लाइन से इसको क्लोज जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो एरर दिखा देगा, और इसको भी यहाँ पे क्लोज कर दो इस तरीके से। फिनिश, और इसको एक्सट्रूजन अमाउंट विल बी ओनली 6 इंचेस। फिर अगेन सेट पिक अ प्लेन, ओके, ये साइड वाला प्लेन सेट कर लो, राइट व्यू लगा लो, लाइन, और यहाँ से समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके कॉपी, और ये कॉपी यहाँ पे हो गया। ठीक है, सो मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं ये चीज़ ना क्रिएट करता हूँ और इसी में यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। सो यानी कि इसको सेलेक्ट करके एडिट एक्सट्रूजन, और इसको मैं आगे की तरफ बढ़ा दिया इस तरह से, और रेक्टेंगल लेके यहाँ से इसको ओपन कर देता है। ठीक है, एंड फिनिश, और ये एक्सट्रूजन विल बी 6 इंचेस एंड फिनिश। बाकी अलाइन इस फेस अलाइनमेंट में इसको, इस फेस अलाइनमेंट में इसको, इस फेस अलाइनमेंट में इसको, और इस फेस अलाइनमेंट में इसको, डन एंड फिनिश। यहाँ से आप रियलिस्टिक लगा लो जिससे ये प्रॉपर दिखे। ठीक है, डन, आई थिंक दिस इज मच बेटर। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें अपनी रोड क्रिएट करनी है, सो गो टू ग्राउंड लेवल, और यहाँ से देन आर्किटेक्चर पे आते हैं। देन यहाँ से हम जो अपनी रोड होती है, मैं फ्लोर से ही क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सो फ्लोर पे गए, फ्लोर आर्किटेक्चर, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी साइड का जो फुटपाथ है उसको तैयार करेंगे, राइट। सो फुटपाथ के लिए एडिट टाइप, देन डुप्लीकेट, इसको मैं नेम दे देता हूँ रोड, ओके, स्ट्रक्चर पे एडिट, और यहाँ से मैं 4 इंचेस इसकी थिकनेस दे देता हूँ, ओके एंड ओके। देन इसके बाद यहाँ से दिस विल बी योर कंप्लीट रोड, सॉरी फुटपाथ, सो 3 फिट 6 इंचेस, 4 फिट, इसको डिलीट कर दो, इसको एक्सपैंड कर दो, तो आपकी टेम्परेरी डायमेंशन दिखने लगेगी। सो हमने कहा इसको 4 फिट मैंने, और लेट से 5 फिट में कर देता हूँ इसको। ठीक है, दिस साइड 4 फिट ही रहने देते हैं। फिर फिनिश, एक साइड का फुटपाथ तैयार हो गया। देन अगेन क्रिएट फ्लोर लाइन यहाँ से, और दिस साइड इज 10 फिट रोड, और फ्रंट में आपकी 20 फिट वाइड रोड है। सो दिस साइड ही रोड जाएगी आपकी, और 20 फिट एंड फिनिश। देन अगेन आर्किटेक्चर, देन फ्लोर, और यहाँ से दिस साइड का फुटपाथ आप बना लो, ठीक है, तो दिस इज 5 फिट, और सेम वे दिस साइड में भी अपना फुटपाथ आप बना लीजिए एंड फिनिश। 3D देखेंगे, 3D देख सकते हो। बाकी जो रोड है, रोड को लेवल को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, दैट इज -2 इंचेस, जिससे कि फुटपाथ से थोड़ा सा नीचे आ जाए इस तरह से। फिर यहाँ पे हम अपना एक स्लोप तैयार करते हैं, सो फॉर दैट वी हैव टू गो टू कंपोनेंट, देन मॉडल इन प्लेस,
देन यहाँ पे आपका स्टेयर्स का पार्ट आएगा, रैम्प, ओके, देन एक्सट्रूजन सेट पिकअप लेन, ओके, और ये साइड हमने सेलेक्ट कर लिया, और फिर यहाँ से अपने स्लोप को हम तैयार करेंगे। रियलिस्टिक की जगह हेड वायर फ्रेम लगा दीजिए जिससे कि प्रॉपर आपको यहाँ पे दिखे सब, और इस तरह से हमने अपने स्लोप को तैयार कर लिया। इसको इधर ड्रैग कर दीजिए और इसको इधर ड्रैग कर दीजिए एंड फिनिश मॉडल। अभी कॉर्नर प्लॉट है तो एक डोर अगर आप चाहते हो तो इधर भी एक गेट लगा सकते हो, ठीक है, बट मैं यहाँ पे अभी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। फिर इसके बाद बाउंड्री वॉल की एडिटिंग के लिए प्रोफाइल जो भी जैसे आपको डिज़ाइन चाहिए वो आप दे सकते हो। तो ये देख सकते हो इस तरह से हमने यहाँ पे कंप्लीट मॉडल तैयार कर लिया। बाकी फ्रंट में ये जो विंडोज़ है सेम इसमें भी, जैसे बैक साइड में काम किया वैसे इसमें भी करते हैं। सो आर्किटेक्चर देन कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस केस वर्क, ओके ओके, एक्सट्रूजन सेट पिकअप प्लेन, ओके, दिस प्लेन, और यहाँ से हमने ये रेक्टेंगल बना लिया इस तरह से। अब यहाँ ये दिख नहीं रहा तो वायर फ्रेम लगा दो जिससे कि ओ वायर फ्रेम बहुत ज़्यादा फिर लाइन्स आ जाएंगी। वैसे ध्यान से देखोगे अगर बहुत ज़्यादा लाइन्स हैं तो एक काम करिए मैं बताता हूँ, यहाँ से रियलिस्टिक लगा लो क्योंकि विंडो दोनों नीचे सेम ऊपर नीचे सेम है, तो कॉपी कर लीजिए इसके स्केच को और इसको पेस्ट कर दो। पहले तो आप हिडन वॉल्स वाली बाउंड्री वॉल को हाइड भी कर सकते थे, ठीक है। देन अगेन ऑफसेट यहाँ पे 6 इंचेस 6 इंचेस 6 इंचेस 6 इंचेस, और इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ इस तरह से, और इसको इस तरफ और इसको ऊपर की तरफ एंड फिनिश। इसको मैं यहाँ पे 6 इंचेस थिकनेस, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कहा मैं इसमें ग्रूव कटिंग्स देना चाहता हूँ इस एक्सट्रूजन में, सो इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मैंने इसको आइसोलेट कर लिया जिससे कि मुझे प्रॉपरली सिर्फ इसी पे मैं काम कर सकूँ आसानी। तो साइड व्यू लगाएंगे, क्रिएट वॉइड फॉर्म वॉइड एक्सट्रूजन, देन यहाँ पे सेट पिकअप लेन, ओके, और ये साइड प्लानिंग फ्रेम इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन लाइन कमांड लेके बस एक एक करके यहाँ पे अपने कटिंग्स को तैयार कर लीजिए जो ग्रूव कटिंग आप बनाना चाहते हैं। तो टू फिट पे बनाइए इस तरह से एक एक करके, फिर कॉपी कर लो। समथिंग लाइक दिस, ठीक है, हो जाने के बाद फिनिश, और ये जो कटिंग्स हैं इसको आगे तरफ ड्रैग, ये हो जाएगा आपका कट, और यहाँ से रीसेट टेम्परेरी व्यू एंड हाई सिलेक्ट। सो ये आ गया हमारे पास, नाइस। साथ ही में इस साइड में अगर आप यहाँ पे एक डोर, अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे आता हूँ, सो अगर मैं यहाँ पे एक डोर प्लेस करना चाहूँ तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। तो यही सेम सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से क्रिएट सिमिलर, और यहाँ से मैं एक डोर प्लेस कर देता हूँ। सो ये देखने में थोड़ा सा ज़्यादा सही लगेगा, और यहाँ पे सेटिंग्स होंगी। अब यहाँ पे विंडो देख सकते हैं ये वाली, इसकी विंडो की सिलाइट सही नहीं है, सो इस विंडो को सेलेक्ट करो, इसकी सिलाइट को कॉपी करो और इसको सेलेक्ट करके सिलाइट पेस्ट, ठीक है, स्लाइड नीचे आ जाएगी आपकी इस तरह से। नेक्स्ट हमें यहाँ पे और डिजाइन्स जैसे कि इसमें फ्रंट व्यू लगा लेते हैं, और एडिट प्रोफाइल ऑफसेट। अब ये डिजाइन के ऊपर है, आप यहाँ पे जितना डिजाइन आप जितना सोच सकते हो, कितना क्रिएटिविटी है आपके अंदर, उसके बेसिस पे फिर अब पूरा पूरा काम रहेगा आपका। तो चलो मैं यहाँ पे जितना हो सकता है उतना मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कॉपी एंड यहाँ से इस तरह से एक एक करके मैं इस तरह से इसको भी कॉपी कर लेता हूँ एंड फिनिश, ठीक है। फ्रंट व्यू लगाते हैं अगेन, आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडर्न इन प्लेस केस वर्क, ओके ओके, एक्सट्रूजन देन सेट पिकअप लेन, ओके, और ये साइड वाला प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए फ्रंट फेस, और यहाँ से रेक्टेंगल लगा के इसको 2 फिट 2 इंच का ऑफसेट कर दो। इसको सेलेक्ट करिए कॉपी, और एक एक करके इस तरह से कॉपी कर दो। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक फिनिश। और कितना एक्सट्रूजन रहेगा, हमने कहा सिर्फ 2 इंच यहाँ पे एक्सट्रूजन रहेगा।
एंड फिनिश मॉडल, ठीक है। देन ये हो गया हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट इसका डिज़ाइन। बाकी बाउंड्री वॉल डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, कुछ सोच के फिर किस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे। साथ ही में अगर मैं ये वॉल को अगर मैं ऊपर की तरफ इस तरह से ड्रैग कर दूँ, और ड्रैग करने के बाद समथिंग लाइक फ्रंट व्यू लगाइए, इसके बराबर का आई थिंक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो समथिंग लाइक यहाँ तक आए, देन आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडलिंग प्लेस केस वर्क, ठीक है, एक्सट्रूजन सेट पिका प्लेन, ओके, ये साइड प्लेन सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ से समथिंग लाइक दिस, और कुछ समथिंग लाइक दिस, और ये आपका कितना रहेगा, 4 नॉट 4 इंचेस, 4.5 इंचेस, ओके, और ये फ्रंट की तरफ है। सो इसको अलाइन, और इस फेस अलाइनमेंट में इसको अलाइन कर दो, ठीक है, कर सकते हैं, सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। और साथ ही में अगर इसको आप और बैक साइड ले जाना चाहते हो, ओके, तो साइड में कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉइड से, वॉइड एक्सट्रूजन से अगर ओपनिंग तैयार करना चाहो तो ओपनिंग तैयार कर सकते हो। साथ ही में अगर मैं इसको टॉप तक रखता हूँ, यहाँ तक, देन अलाइन इस फेस के अलाइनमेंट में इसको, सो ये हवा में है इस तरह से, तो ये सही नहीं है, ओके। सो यही आपके डिजाइन्स हैं, जिस तरह से आप क्रिएट करना चाहो, इट्स अप टू यू अगेन। सो मैं इसको नीचे तक ही ले आता हूँ कुछ इस तरह से, ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है, बाकी आप लोग बताइए इज इट ओके और नॉट। ठीक है, डन एंड फिनिश मॉडल, ओके, डिलीट करके इसको फिर से एक बार बनाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। बाकी वॉल अभी इसको उतना ही रहने दो जितना था, ये 3 फिट एंड 3 इंचेस। तो ये था आज का यहाँ पे हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल, जिसमें हमने कंप्लीट अपना रोड, अपना फुटपाथ, और जो कंप्लीट थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉडल्स वगैरह हमें क्रिएट करने थे वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। सो आज के ट्यूटोरियल वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, आगे और ऐसे ट्यूटोरियल वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में।